हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एम्स नॉट सेट 2020 के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो एम्स हैं उनमें वैकेंसी निकाली गई थी और उन सभी वैकेंसीज को भरने के लिए नॉट सेट भी कंडक्ट करवाया गया था। उसी के मद्देनज़र रखते हुए फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार के जो एम्स हैं वो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवा रहे हैं अलग अलग टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, उसमें से एम्स कल्याणी ने भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का जो काम है वो करवा लिया था। अब उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, जो प्रोविजनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी आज लिस्ट जारी कर दी है। टोटल जो कैंडिडेट हैं 401 की, यहाँ पर ये लिस्ट जारी की गई है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो 22 मार्च 2021 को जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी अपने दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि हम एम्स नॉट सेट 2020 की भर्ती की जो भी प्रोसेस चल रही है उस पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने के इच्छुक नहीं हैं। हम इस भर्ती पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे उस लिस्ट के बारे में। तो आप भी यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो स्टाफ नर्स सेकेंड ग्रेड है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई थी और जो ग्रेड पे वो 7 रखा गया था, यहाँ पर जो आपको वो 4600 ग्रेड पे मिलने वाली है, 9300 से लेकर 34800 रुपये मिलेंगे पर मंथ, ये है आपकी सैलरी। तो फ्रेंड्स, वो लिस्ट सभी स्टूडेंट यहाँ पर देख लें। जो भी स्टूडेंट हैं इसमें लिखा भी हुआ है बेस्ड ऑन द जो भी नोट से 2020 में जितने भी आपको रैंक मिली थी उसके हिसाब से आपको जो कल्याणी जो एम्स मिला था उसके डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाए गए हैं और जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे थे वो डॉक्यूमेंट आपने अगर पूरे दिए थे तो आपका इस लिस्ट में ज़रूर नाम आया होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख लें पहले तो जो भी स्टूडेंट हैं उनकी रैंक है, कैंडिडेट का नाम है, उनका रोल नंबर दिया गया है, कौन सा जेंडर है, PWBD के हैं कि नहीं, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और जो अलॉट जो कैटेगरी है किस कैटेगरी में उनको सीट वो अलॉट हुई है, और रीमार्क, यहाँ पर रीमार्क जरूर देख लें फ्रेंड्स, जैसे कि फोटोग्राफ नॉट अपलोड। कोई कोई जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपलोड नहीं किया है, हालांकि ये बाद में भी कर सकते हैं जब ये ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर अपन पूरी लिस्ट देख लेते हैं। कई स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स जो पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं और उन्होंने NOC है वो सबमिट नहीं की है, तो आप देख सकते हैं कि NOC बहुत जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा सबमिट नहीं की गई है। तो काफ़ी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कोई ना कोई कमी रही है फ्रेंड्स, जैसे कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नीडेड, प्रॉपर एड्रेस प्रूफ नीडेड, ओरिजिनल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रो। तो फ्रेंड्स, जो डॉक्यूमेंट हैं आप जो अभी जब कभी भी सेकेंड लिस्ट आएगी, सभी जो एम्स हैं उनकी जल्द ही सेकेंड लिस्ट आने वाली है आप ये मान के चलिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ मना किया है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें कोई रोक नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, जो जिनका भी सिलेक्शन में लिस्ट में नाम आया है उन सभी को जल्द ही कुछ साइट्स के ऊपर फ्रेंड्स हम अपनी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको लिंक दे देंगे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्टेड हुए हैं प्रोविजनली उनको फ्रेंड्स कोई अलग अलग प्रकार के कुछ जो परफॉर्मा है वो डाउनलोड करने हैं और उनको कंप्लीट भरने के बाद सबमिट करने हैं जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे। तो आप सभी को ये ऑफर वहाँ पर क्या करना है, सबमिट करना है। ये फ्रेंड्स केवल उन्हीं स्टूडेंट को वहाँ पर सबमिट करना है जिन स्टूडेंट को अपॉइंटमेंट जो लेटर है वो इश्यू किया जाएगा, क्योंकि सभी जो 401 के स्टूडेंट हैं उन सभी को अभी अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। अपॉइंटमेंट केवल इतने को किया जाएगा जितना कि उनको ज़रूरत है, जितना एम्स को ज़रूरत है वो उतना को बुलाएगा और जिन जिन को भी बुलाएगा उनको ईमेल और जो उनके मोबाइल नंबर है उन पर सूचना दे दी जाएगी। वो सभी स्टूडेंट अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर जब आ जाएगा उनका तो साइट से कुछ परफॉर्मा है उनको डाउनलोड करके फिल कर लें, हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 3 नंबर का पॉइंट है वो आप सभी ध्यान से पढ़ लें। इसमें यह लिखा हुआ है कि जितने भी अपॉइंटमेंट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको जल्द ही अपॉइंटमेंट है वो शॉर्टली इशू कर दिए जाएंगे। उससे पहले आपका फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते भी होंगे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हुआ है, उसके बाद उनकी लिस्ट आई है, पुलिस वेरीफिकेशन होगा और उसके बाद अपने जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो इश्यू कर दिए जाएंगे। लेकिन इन्होंने लिख रखा है कि द इश्यू ऑफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड देयर सब्सिक्वेंट ज्वाइनिंग विल बी सब्जेक्ट ऑफ आउटकम ऑफ द वेरियस OA केसेज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल केट एंड अदर कोर्ट इफ एनी। लेकिन ये सारी जो भर्ती है फ्रेंड्स, इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो भी जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसका जो भी रिजल्ट आएगा उस सभी के अकॉर्डिंग ही आगे की प्रोसेस होने वाली है। हो सकता है अगर कोर्ट कोई आदेश दे दे कोई ऐसा वैसा, तो इनकी आगे की जो ज्वाइनिंग है वगैरह वो सब कुछ कोर्ट के आदेश पर ही डिपेंड करती है। तो जो भी स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स वो यहाँ पर अपनी तैयारी कर ले, में कभी भी अपॉइंटमेंट इश्यू हो सकता है उनको लेटर। फर्दर जानकारी के लिए आप चैनल के साथ आज ही अपन हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम कोई भी अपडेट सबसे पहले फ्रेंड्स आप तक पहुंचाते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।